इस भाग में हम आपको बताएंगे किसान पंजीकरण और इनाम पे प्रक्रिया। किसान पंजीकरण 3 माध्यमों से किया जा सकता है। पहला, वेबसाइट के माध्यम से। दूसरा, इनाम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। तीसरा, नजदीकी इनाम मंडी में पहुंच के। हम देखते हैं इनाम पंजीकरण वेबसाइट के माध्यम से। ब्राउजर के रूप में आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा inam.gov.in। आपके सामने इनाम का होम पेज ओपन है। इस होम पेज में आपको चुनना है अपनी भाषा, हिंदी का चयन करें। अब किसान पंजीयन के लिए पंजीयन बटन पर क्लिक करें। पंजीयन फॉर्म खुल चुका है। आप अपनी भाषा का पुनः चयन यहां से कर सकते हैं। अपनी भाषा का चयन करें। अब आपके सामने ऑनलाइन इनाम पंजीकरण फॉर्म खुल चुका है। यहां पे अपनी जानकारी भरें। पंजीकरण का प्रकार राज्य स्तर, मंडी स्तर आप चुन सकते हैं। हम चलते हैं मंडी स्तर पे। पंजीकरण के प्रकार पे विक्रेता का चयन करें। पंजीकरण श्रेणी व्यक्तिगत किसान, राज्य आप अपना चुन सकते हैं और किस इनाम मंडी में आपको अपना पंजीकरण करवाना है आप अपनी इनाम मंडी यहां से चुन सकते हैं। अब हम देखेंगे पंजीकरण फॉर्म में मांगी हुई जरूरी जानकारी। शीर्षक, श्रीमती, श्रीमान, सुश्री, पहला नाम, अंतिम नाम, लिंग, जन्म तिथि, पुत्र, पुत्री, पत्नी की जानकारी देना, अपने पता की जानकारी देना, गांव, शहर की जानकारी देना, डाक, राज्य, जिला, तहसील, फोटो आईडी का प्रकार, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनकी जानकारी आपको अपने पास रखना होगी। आईडी का नंबर आपको देना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पंजीकरण पावती पाने के लिए आपको विकल्प पे चुनना है। एसएमएस से प्राप्त करें, ईमेल के माध्यम से प्राप्त करें आपकी पंजीकरण की पावती। खाता धारक का नाम, बैंक विवरण के अनुसार आपको अपने बैंक की जानकारी आपके सामने रखनी होगी। बैंक का नाम दीजिए, बैंक खाता नंबर दीजिए, आईएफएससी कोड की जानकारी दीजिए, पुनः बैंक खाता नंबर, पुनः आईएफएससी कोड को दर्ज कीजिए। अब आपको पासबुक की प्रतिलिपि अपलोड करनी है। अपलोड के ऑप्शन पे चुने, आईडी प्रमाण पत्र की एक स्कैन कॉपी अपलोड करें, अपलोड को चुने और अंतिम में अपने फॉर्म को जमा करें।